ये आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। आज बतारीख 26 अक्टूबर 2022 को जलपल्ली म्यूनिसिपल के श्रीराम कॉलोनी वार्ड नंबर 17, 18, 19 और 20 में बीटी और सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के हाथों अमल में आया, जिसकी लागत 1,35,00,000 से TUFIDC फंड जलपल्ली म्यूनिसिपल से कराया जा रहा है। इस मौके पर काउंसिलर शंकर और काउंसिलर लक्ष्मी नारायणा और काउंसिलर बशम्मा के अलावा दीगर लोग शामिल थे। चेयरमैन साहब ने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि वर्क क्वालिटी का किया जाए। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 17, 18, 19 और 20 की जो मेन रोड थी श्रीराम कॉलोनी की, जो बहुत ही सालों से खस्ता हालत में थी, हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हमारे काउंसलर्स ने हमसे नुमाइंदगी की। फिर हमने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता अंदाजी मैडम से नुमाइंदगी करकर यहाँ पर हमदुल्ला और अलहाज बारिश ने भी साथ हिदायत कर यहाँ पर 1,30,35,00,000 का आज रोड का इफ्तिताह अमल में आया है। ये हमारे लिए बहुत ही मसर्रत की बात है, क्योंकि कई सालों से ये रोड बहुत ख़राब थी, ड्रेनेज का पानी था, रोडों में खड्डे थे, लोग जाने से बहुत मुश्किल हो रही थी। ज़्यादा ये रोड मेन रोड जो श्रीराम कॉलोनी की सबसे ज़्यादा यह बिज़नेस रोड है, ये आवाजाही सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इसको मद्देनज़र देखते हुए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता अंदाजी मैडम और हमारे राजभारत शहसुद्दीन साहब की निगरानी में ये पूरा काम चल रहा है। इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते में ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह तरक्याती काम हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो सालों से नहीं हुए थे, अभी हो रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे पूरे काउंसिल का, हमारे शंकर भाई और हमारे लक्ष्मी नारायण बाशम्मा और हमारे श्रीधर गौड़, इन सबका ताउन है। इंशाल्लाह मिलजुल कर पूरे डेवलपमेंट करेंगे, बगैर मजहब मिल्लत हमेशा हम काम करते रहेंगे और काम तरक्याती काम को जारी और सारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।